हेलो एंड वेलकम टू ब्यूटी एंड वेलनेस टिप्स। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक अमेजिंग सा कॉफ़ी हेयर मास्क रेसिपी। बालों की हेल्थ के लिए कॉफ़ी बहुत फ़ायदेमंद है। बालों की ग्रोथ के लिए कॉफ़ी में मौजूद कैफीन बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अगर आपको हेयर फॉल की परेशानी है तो आप कॉफ़ी के इस्तेमाल से इस समस्या से निजात पा सकती हैं। बाज़ार में कॉफ़ी से बना हुआ हेयर मास्क, हेयर स्प्रे और हेयर शैम्पू आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। मगर आप चाहें तो घर पर भी कॉफ़ी से शैम्पू तैयार कर सकती हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ इसे बनाने की आसान सी विधि। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे बाल इस रेसिपी को यूज़ करने से पहले कितने ड्राई और फ्रीजी थे। फ्रीजी बाल मतलब रूखे, बिखरे और उलझे हुए बाल, जिन्हें संभालना बेहद मुश्किल होता है। मुश्किल भी इतना कि इनको कोई स्टाइल देना तो दूर, बालों को सिर्फ बांधना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे उलझे बालों का मेन कारण ह्यूमिडिटी और हीट स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जैसे हेयर ड्रायर और फ्लैट आयरन आदि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। पॉल्यूशन भी आपके बालों को उलझा हुआ बनाने के लिए काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार होता है। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए आपको चाहिए एक शैम्पू, कॉफ़ी पाउडर और एलोवेरा जेल। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वाव स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू, जो कि सल्फेट और पैराबेन फ्री है। आप चाहें तो अपने चॉइस की कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकती हैं। कॉफ़ी पाउडर के लिए मैंने लिया है नेस्कैफे क्लासिक कॉफ़ी पाउडर। आप कोई भी कॉफ़ी यूज़ कर सकती हैं। अगेन यहाँ वाव स्किन साइंस का मैंने एलोवेरा जेल लिया है। आप चाहें तो आप फ्रेश लीव्स से एलोवेरा जेल निकाल सकती हैं या फिर पतंजलि का भी एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को तैयार करते हैं। सबसे पहले आपको एक कटोरी में 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेना है। कॉफ़ी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और बालों के फॉलिकल्स को बूस्ट करती है, जिससे बाल बढ़ते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच एलोवेरा जेल। यह बालों को ज़रूरी पोषण देने का काम करता है, साथ ही स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर बालों को मजबूत भी बनाता है। एलोवेरा जेल के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच शैम्पू। अगर आपके बाल बहुत बड़े हैं तो आप उस हिसाब से शैम्पू, एलोवेरा जेल और कॉफ़ी पाउडर की मात्रा बढ़ा भी सकती हैं। मीडियम लेंथ के बालों के लिए इतना ही सामग्री काफ़ी होती है। अपने बालों में इस मिश्रण को अच्छी तरह से साफ करें। इसके बाद बालों को पानी से वॉश कर लें। अगर आप हर दूसरे दिन कॉफ़ी मिक्स्ड शैम्पू से बाल धोती हैं तो आपकी हेयर फॉल की समस्या कम हो जाएगी और साथ ही नए बाल भी ग्रो होने लगेंगे। हमारे बाल हमारी पर्सनालिटी को काफ़ी निखारते हैं। हर महिला चाहती है कि उसके बाल लंबे और घने हों, लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके बाल बेहद छोटे और काफ़ी हल्के होते हैं। ऐसे में महिलाएं कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं और हज़ारों रुपए अपने बालों पर खर्च करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस होता। इन सब ट्रीटमेंट का कई बार हमारे बालों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ने लगता है और हमारे बाल कमज़ोर और बेजान होने लगते हैं। तो चलिए इस हेयर मास्क को अपने बालों पर लगाने का मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। इस हेयर मास्क रेसिपी को लगाने के बाद आपके बाल मजबूत और घने होंगे। कॉफ़ी में मौजूद कैफीन बालों को स्ट्रॉन्ग और लंबा बनाने में मदद करता ही है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। कैफीन आपके बालों के फॉलिकल्स को भी बूस्ट करती है, जिससे बाल बढ़ते हैं। नियमित तौर पर कॉफ़ी का इस्तेमाल करने से बाल मुलायम, लंबे और घने रहते हैं। इस कॉफ़ी हेयर मास्क को आप अपने बालों पर हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर लगाएं। इससे आपको अपने बालों पर फ़र्क बहुत जल्दी नज़र आएगा। ऐसे और ब्यूटी, स्किन केयर और हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए मेरे चैनल ब्यूटी एंड वेलनेस टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।